पर पानी की किल्लत है, लोगों की भीड़ लगी हुई है। आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि आदर्श गांव में, सांसद के आदर्श गांव में किस तरह से पानी की समस्या है। यहां पर लोग गैलनों से और पानी के लिए सिर्फ एक हैंड पंप है और उस पर ही निर्भर हैं। ये अगर नल ना हो तो पूरा गांव जो है यहां पर प्यासा रह जाए। हाँ, पानी के साहब विकट समस्या ही, सबसे अधिक पानी की समस्या है, कुछ समस्या नहीं है। अगर ये हैंड पंप बंद हो जाए साहब तो मान ली आधा पूरा गांव पानी के बिना साफ हो जाए, फिर उन्हीं चाहे तालाब जाए, फिर चाहे 2 किलोमीटर अपने खेत से पानी ले आए, जहाँ से मन हो तहाँ से पानी ले आए। यह विधायक राम लखन साहब वर्मा के विधायक बोल रहा है। जनार्दन मिश्र को लगभग 5 साल होने को है, लेकिन यहाँ पर अब तक पानी की समस्या का उन्होंने निराकरण नहीं कराया। नहीं कराया साहब, कुछ समय से पानी का निराकरण, टंकी बनी है साहब, टंकी देखी रहे झूर पर सप्लाई के कहीं सब सिक्योरिटी लगे 500-500 रुपया सबसे, और पानी टंकी और झूर खड़ी है वहीं तरीके से। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि सांसद आदर्श गांव होने के बावजूद यहाँ पर गांव में विकास नहीं हुआ और पानी के लिए दर दर भटकते हैं लोग, आइए कुछ और लोगों से जानते हैं क्या समस्या है यहाँ पर। वही पानी की विकट समस्या है, ना रोड बनी है ना कुछ है, सिक्योरिटी के लिए 500-500 रुपये सबसे जमा भी करा लिया पूरे गांव से, और बोल रहे कि नल सप्लाई होगा, ना तो नल लगे ना पानी की सप्लाई, ना टैंकर से बंटवाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आदर्श गांव में यहां पर करोड़ों रुपए खर्च किया गया है? हाँ, एक देख लीजिए बाउंड्री का निर्माण हुआ, एक लात मार दो तो गिर जाएगी पूरी बाउंड्री, मतलब ये पूरा गाँव भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया, एकदम भ्रष्टाचार में। यहाँ सर सबसे अधिक पानी की ही समस्या है, बाकी कुछ समस्याएं तो सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन पानी की समस्या, टंकी में भी पानी नहीं है, टंकी नहीं चलती सर। आज हमारी टीम मौजूद है हरदुआ में। जी हाँ, ये वही हरदुआ है जिसे हमारे सांसद जी ने आदर्श ग्राम के बतौर गोद लिया था। हम आपको यहाँ की ग्राउंड जीरो से आज सारी रिपोर्टें दिखा रहे हैं। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले आंगनबाड़ी के केंद्र का हाल दिखाया था। हम इस समय आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 6 हरदुआ में मौजूद है। जैसा कि आप बिल्डिंग को देख पा रहे होंगे, यह बिल्डिंग अभी महज साल भर पहले ही बनी है। साल भर के अंदर इस बिल्डिंग का क्या हाल हुआ ये आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह बिल्डिंग इस समय किस हालत में है, मैं कुछ बोलूं उससे ज्यादा बेहतर होगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि इस बिल्डिंग के हालात क्या है। बिल्डिंग को देख के आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बिल्डिंग के हाल क्या है। यहां पर इस समय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पर बच्चों को क्यों नहीं ला पा रहे हैं, किस वजह से उनकी क्या समस्याएं हैं। जी ये बताएं कि जैसा बिल्डिंग के आप हाल देख रहे हैं, हम लोग अपने टीवी स्क्रीन पर भी अपने हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो क्या वजह है, आपको यहाँ बच्चों को लाने में क्या दिक्कतें हैं? यहाँ पर एक क्षतिग्रस्त दीवार है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? पब्लिक तो नहीं रही, मेन कार्यकर्ता होगी। अब हम किसी के बच्चों को लाएंगे तो अगर क्षतिग्रस्त हो रही बिल्डिंग तो वो लोग ये बोलेंगे मैम आप बच्चे को लेके गिर गई, इसका भत्ता कौन भरेगा? और क्या दिक्कतें हैं आपको? दिक्कत यहाँ पानी की सप्लाई है, ठीक वो नहीं है। अब आप टॉयलेट वाले रूम में जाइए, वहाँ देखिए मैंने कुछ भी, मैंने इसी तरह की दीवारें उधर भी है, तो कोई भी व्यवस्था नहीं थी, इस वजह से पूर्तियां संचालित नहीं कर पाते, बाहर हम बिठा नहीं सकते, धूप है, यही समस्या है। आपका साफ तौर से कहना है कि यहाँ पर हम बच्चों को बैठा नहीं सकते। बच्चों को इसलिए नहीं बैठा सकते कि ये बिल्डिंग इस हालत में है, जबकि बने ये साल भर हुए, बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। बिल्डिंग गिरी अगर तो इसका खामियाजा कौन भरेगा, कौन इसका भुगतान करेगा? अगर किसी तरीके की यहाँ पर कोई भी वारदात होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी से बचाओ। साफ तौर से यहाँ पर संगीता मिश्रा जी का कहना था कि यहाँ पर इतनी बड़ी समस्या है, बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। सांसद के आदर्श गांव में बिल्डिंग का गिरना अपने आप में काफी चौंकाने वाली बात है। इस बिल्डिंग के आदर्श ग्राम में जिस तरीके की बिल्डिंग बनाई गई, वह भी आंगनबाड़ी केंद्र में छोटे छोटे मासूम बच्चे जहां पर पढ़ते हैं, निश्चित रूप से कार्यकर्ता अपनी जगह सही हैं। यहां पर टॉयलेट बुरी हालत में है, यहां पर पानी, जब पानी ही नहीं तो टॉयलेट का इस्तेमाल कैसे होगा? बिल्कुल बेशक 100% सही बात है, पानी नहीं तो टॉयलेट का इस्तेमाल कैसे होगा, बिल्डिंग गिर रही है तो बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, यह है आदर्श ग्राम की हकीकत। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी, अभी हम आपको
आदर्श ग्राम हरदुआ की और भी कई सच्चाइयों से परिचित कराएंगे। आज चलते हैं आगे का सफर तय करने। हरदुआ गांव के सफर में अब हम पहुंच गए हैं मतदान क्रमांक 60। प्राथमिक पाठशाला है। आप इस स्कूल को बाहर से भले ही एक बड़ी बिल्डिंग के रूप में देख पा रहे हो, लेकिन इसके अंदर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ है। यहाँ पर विधानसभा चुनाव के मतदान किए गए थे, लेकिन ये बिल्डिंग जिस तरह से आपको दिख रही है अंदर उस तरह है नहीं। पूरी बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो चुकी है। यहाँ की खिड़कियां, दरवाजे सभी चोर उखाड़ ले गए हैं। अभी आपने देखा सामने का नजारा, अब आपको लेकर चलते हैं पीछे, जहां इस बिल्डिंग में खस्ताहाल बदहाली का जीता जागता नमूना आप कैमरे में देख पाएंगे। तो मेरे पीछे है जिस तरह से ये खिड़कियां उखड़ी हुई पड़ी हुई हैं। यहां पर जो नजारा आपको देखने को मिल रहा है, ये सांसद आदर्श गांव का नजारा है। जिस आदर्श गांव की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदर्श गांव के रूप में की थी, सांसदों के जिम्मेदारी दी गई थी कि इस गांव को विकसित करें, कम से कम एक गांव को वो मॉडल के रूप में विकसित करें, ताकि जिले में ये कहा जा सके कि यह गांव देखने लायक है और वहां पर सारी मूलभूत सुविधाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना और भी था कि हर जगह पर शौचालय हो, कोई भी खुले में शौच ना करे, मान मर्यादा उसकी रहे। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मेरे पीछे जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये शौचालय है, और यहाँ पर जो बदहाली का आलम है, चारों तरफ गंदगी है, खिड़की दरवाजे तो टूटे हुए हैं, स्कूल में ना तो कहीं पर पानी की व्यवस्था है, और जो शौचालय आप देख पा रहे हैं ये खस्ता हाल है, पूरी बिल्डिंग खस्ता हाल है। भले ही यहाँ पर सांसद आदर्श गांव के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हों, लेकिन जमीनी हकीकत जो कुछ भी है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आदर्श गांव में शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, जबकि किसी भी आदर्श गांव की परिकल्पना थी कि पूर्णतः नशा मुक्त होना चाहिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से शराब की बोतलें हैं, चारों तरफ गंदगी का आलम है, और यहाँ शौचालय से लेकर सड़क, बिजली, पानी की समस्याएं हैं। और खास बात यह है कि जो प्राथमिक स्कूल है, जहां पर बच्चों का भविष्य, सुनहरे भविष्य की कल्पना की जाती है, उनको बेहतर इंसान बनाने के प्रयास किए जाते हैं, वहां पर ही ये बदहाली के आलम देख सकते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि इस आदर्श गांव में शिक्षा का क्या स्तर होगा। क्या नाम है सांसद का? हम उनका वो कब हुआ गए तब ना अब नहीं जाए जनार्दन मिश्रा कबो नहीं देख पा कब हूँ अब नहीं चिंता ही नहीं है। तो यहाँ गांव पर क्या आपको दिख रहा है कि एक वोट है नहीं है उनके विकास का, या गरीबन घर सांसद गिरवा चुके हैं ना, ये जो बोंडारी खींची है गरीबन की। अच्छा जी हाँ, आप ज्यादा नहीं बता सकते। तो यहाँ आप लोगों को बेघर कर दिया गया? जी हाँ, एक वोट नहीं आई सांसद साहब के। हम बताइए क्या जानते हैं आपकी यहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च हुआ है? एक रुपया नहीं आता, देखी माटी भरी है, सीसी खोद के दिखा दी, मतलब कुछ भी यहाँ पर जमीन नहीं। सांसद गोद में लाए रहे हैं, पर रुपया का गोद में लाए, गरीब के हित के न हो रहे हैं, सही बोली। निश्चित तौर पर जिस तरह से ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर सांसद ने रुपए को गोद में लिया, यानी कि पैसे उन्होंने कमाए जरूर, हाँ, लेकिन गांव का विकास कुछ नहीं कुछ किया। नहीं क्या यहाँ पर समस्या? यहाँ सर क्या 4-5 महीने हो गए कहीं भी लाइट नहीं है, अब बिल वैसे ही आ रहा है। अब बच्चे के हैं पढ़ाई नहीं, 10वीं पढ़ रहे हैं, अब कुछ जानते कुछ नहीं। अभी आपने सुना होगा कि कमलनाथ मध्य प्रदेश में जो सरकार बनी कांग्रेस की, उन्होंने बिजली के बिल माफ करने की घोषणा की है। जी सर, तो यहाँ सर अभी कुछ नहीं, बिल वैसे ही आ रहा है, और आराम से पावर नहीं आ रहा कहीं। तो आप लोगों ने सांसद से कभी नहीं मिले और सर, उनसे नहीं कहा सर, कि हम लोग 3-4 बार यहाँ हम लोग बोल चुके, कोई आता ही नहीं है सुनने, कोई नहीं आता सर, यहाँ कोई नहीं आता, भले पास में। निश्चित तौर पर भले ही ये सांसद का आदर्श गांव हो, लेकिन यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली, ना सड़क, पानी, बिजली जैसी तमाम चीजों की यहाँ पर कमी।